बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हम जो करने वाले हैं वो ये कि हम देखेंगे कि किस तरह से हम पॉइंटर्स को C++ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि एक इंटीजर बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं रोल नंबर। ठीक है, अब मेरे पास एक इंटीजर है जिसका नाम है रोल नंबर और उसके अंदर मैं सेट कर देता हूँ वैल्यू 1, 2, 3। ठीक है, अब जो मेरा इंटीजर का रोल नंबर है उसके अंदर वैल्यू सेट हो गई है 1, 2, 3। अब अगर मैं इसको पॉइंट करवाना चाहता हूँ किसी पॉइंटर के थ्रू, ठीक है, किसी पॉइंटर को इस रोल नंबर पे पॉइंट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट स्टैटिक जो भी पॉइंटर का नाम है PTR इज इक्वल टू रोल नंबर। ठीक है, जब मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट स्टैटिक PTR इज इक्वल टू रोल नंबर, तो यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है। ये एरर क्यों शो हो रहा है यहाँ पर, ये एरर इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि रोल नंबर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू 1, 2, 3। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास पॉइंटर होता है उसके अंदर हम सेव करते हैं किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, हम उसके अंदर उसकी वैल्यू सेव नहीं करते बल्कि उसका एड्रेस सेव करते हैं। सो एड्रेस को गेट करने के लिए हमें यहाँ पर एम्परसेंट का साइन यूज करना पड़ेगा। सो जैसे हम एम्परसेंट का साइन यूज करते हैं यहाँ पर हमारा एरर खत्म हो जाता है। सो यहाँ पर आपने ये सीखा कि किस तरह से हमने पॉइंटर को यूज करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंटर है और हम उसको डायरेक्टली किसी वेरिएबल पर पॉइंट नहीं कर सकते बल्कि हमें उसे एम्परसेंट यूज करके बताना है कि इस एड्रेस पर आपको पॉइंट करना है। ठीक है, एम्परसेंट का साइन क्या कहता है, एम्परसेंट का साइन ये कहता है कि जिस वेरिएबल के साथ हमने इसको यूज किया है तो उसका ये रेफरेंस गेट करता है, रेफरेंस मतलब एड्रेस। ठीक है, सो ये उसका एड्रेस गेट करेगा और पॉइंटर उसको पॉइंट करेगा। अब जो दूसरी चीज मैं आपको जो पहले बता रहा था वो चीज देखें, यहाँ पर नोट करें, अगर मैं यहाँ पर इसकी डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ करेक्टर स्टेरिक पीटीआर और एम्परसेंट रोल नंबर, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरर आ गया है। और ये एरर क्या आया है, ये एरर ये आया है कि पॉइंटर की डेटा टाइप करेक्टर है जबकि जिस मेमोरी एड्रेस को हम लोकेट कर रहे हैं, ठीक है, जिस एड्रेस को हम पॉइंट करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू है इंटीजर, सो हम इसको पॉइंट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हमने ये सीखा कि दोनों की डेटा टाइप पॉइंटर की और उस मेमोरी लोकेशन जिसको हम पॉइंट कर रहे हैं उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो डेटा टाइप है दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब हम ये देखते हैं आउटपुट करवा के कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। ठीक है, सो सी आउट करते हैं, सी आउट रोल नंबर। ठीक है, और रोल नंबर पे हम यहाँ पर सिंपली रोल नंबर की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये कहते हैं कि सी आउट करवाते हैं अपने पीटीआर को। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं देख सकूं कि पीटीआर के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है। ठीक है, पीटीआर के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है अगर मैं ये चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पीटीआर को यहां पर प्रिंट करवा देता हूं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने यहां पर लिखा सी आउट पीटीआर एंडल। ठीक है, अब जब मैं इसे रन करूंगा तो आप इसका आउटपुट चेक करें कि आउटपुट क्या आ रहा है। ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रोल नंबर को प्रिंट कराया था, तो रोल नंबर हमारे पास क्या था, 1, 2, 3, यहाँ पर प्रिंट हो गया 1, 2, 3। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट कराया पी टी आर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, ये कुछ नंबर से प्रिंट हो गया। ये नंबर क्या है, ये नंबर एक्चुअली हेक्साडेसिमल हमारा एड्रेस है और वो एड्रेस किस चीज़ का है, ये एड्रेस पॉइंट कर रहा है हमारे रोल नंबर को। हमारा जो रोल नंबर है इसका जो एड्रेस हमने सेव करवाया था पी टी आर के अंदर, ठीक है, ये वो एड्रेस की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा पॉइंटर जिस जगह पर पॉइंट कर रहा है उस जगह पर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब क्या कि मेरा पॉइंटर ये जो पीटीआर है पॉइंट कर रहा है रोल नंबर को और मैं ये चाहता हूं कि उस रोल नंबर के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मेरा पॉइंटर जिस जगह पर पॉइंट कर रहा है उस जगह पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं उसकी वैल्यू गेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर हमें यूज करना होगा स्टेरिक पीटीआर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर स्टेरिक पीटीआर यूज किया, इसको हम रन करके चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेरिक पीटीआर का रिजल्ट आया है वो है 1, 2, 3। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेरिक पीटीआर क्या कर रहा है। स्टेरिक पीटीआर जो हमने यहाँ पर एंटर किया है वो एक्चुअल में ये कर रहा है कि पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है जो कि है रोल नंबर,
उस रोल नंबर की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो वैल्यू सेव हुई है, ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू सेव हुई है वो मुझे दिखाओ। सो वो करेंगे हम स्टैटिक पीटीआर के थ्रू, ठीक है। अब यहां पर हम एक और चीज देखते हैं। मैंने यहां पर क्या किया कि स्टैटिक पीटीआर की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। अब मैं ये करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास है पॉइंटर और मैं पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को चेंज कर दूं जो कि रोल नंबर की है, ठीक है। मतलब रोल नंबर वेरिएबल है मेरे पास, इसकी वैल्यू थी 1 2 3। अब मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 की जगह इसकी वैल्यू हो जाए 4 5 6, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता कि यहाँ पर लिखूँ रोल नंबर इज इक्वल टू 4 5 6, ठीक है। इस तरह करूँगा तो रोल नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर मैं पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ इस वेरिएबल की, तो कैसे करूँगा? इसको करने का तरीका ये है, स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल टू 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टैटिक पीटीआर को दोबारा से प्रिंट करवाते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है रोल नंबर के अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ तक हमारे पास स्टैटिक पीटीआर के अंदर 1 2 3 आ रहा था, ठीक है। और स्टैटिक पीटीआर का क्या मतलब है? रोल नंबर की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि पीटीआर जो है पॉइंट कर रहा है रोल नंबर को, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि रोल नंबर की वैल्यू क्या है। उसने बताया कि 1 2 3। अब मैंने क्या किया कि पॉइंटर को यूज करते हुए पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उस मेमोरी लोकेशन के अंदर, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। सो उसको चेंज करने के लिए हमारे पास सिंटेक्स है कि स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल टू और वैल्यू को असाइन कर दो, ठीक है। सो मैंने उसकी वैल्यू असाइन कर दी 4 5 6। अब मैंने उसको आउटपुट करवा के देखा तो मेरे पास आ गया 4 5 6। इसका मतलब ये है कि रोल नंबर के अंदर इस पॉइंट पर आकर जो वैल्यू सेव है वो है 4 5 6। सो यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है, और वो ये कि जब भी आप एम्परसेंड का साइन यूज करेंगे तो वो ये करेगा कि आपका जो वेरिएबल है उसका एड्रेस उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। आपके वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर देगा। और स्टेरिक क्या करता है? स्टेरिक ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टेरिक को यहाँ यूज किया, तो ये एक्चुअल में रेफर कर रहा है स्टेरिक आप जिस ये जो पॉइंटर है जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, ये उस वैल्यू को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है, उस वैल्यू को रेफर करेगा। अगर आप स्टेरिक पीटीआर लिखेंगे तो इसका मतलब है आप उस वेरिएबल की बात कर रहे हैं जिसको ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, रोल नंबर। लेकिन अगर आप सिंपल पीटीआर इज इक्वल टू 4 5 6 करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप पीटीआर, क्योंकि पीटीआर के अंदर जो हमारे पास पॉइंटर है उसके अंदर सिंपली एक एड्रेस सेव हो सकता है, तो इसका मतलब है कि आप 4 5 6 को एक एज अ एड्रेस डील कर रहे हो और आप उसको कह रहे हो कि इस जगह पर पॉइंट कर जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टैटिक पीटीआर करोगे तो इसका मतलब है कि आप उसको डी रेफरेंस कर रहे हो, ठीक है, आप उसकी वैल्यू के अंदर आ गए हो कि मैं इस वेरिएबल पे आ गया हूँ और इस वेरिएबल के अंदर अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर आप कोई वैल्यू को सेव कर दो। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।